ओवर टू अनदर DIY प्रोजेक्ट। पानी की मोटर इंस्टॉल करने के लिए मुझे ड्रिल की ज़रूरत थी, तो लकड़ी में ड्रिल करना था उसके सपोर्ट के लिए, तो ये ख़राब हो गई। इसको चेक किया मैंने मल्टीमीटर से, तो ये करंट आ रहा है इसमें, ये दो करंट के हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव जब बटन प्रेस करते हैं तो जाता है, और ये आते हैं कार्बन्स में, ये जो कार्बन्स हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है मोटर के लिए, तो ये मैंने रिप्लेस करने हैं। अब मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं का मसला है, क्योंकि ये स्पार्क भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। स्पार्क तभी करता है जब कनेक्शन सही प्रॉपर ना हो, तो ये स्पार्किंग होती है इसमें। तो दिस शुड वर्क आफ्टर रिप्लेसिंग दी कार्बन्स हियर। 1 2 ये कार्बन्स मैंने रिमूव कर दिए, ये हैं बेसिकली, ये होते हैं कार्बन्स, और इनका कनेक्शन जो है ये स्प्रिंग के थ्रू होता है यहाँ पे इन वायर्स के साथ दोनों साइड पे होते हैं मोटर के। तो ये रिप्लेस हो जाएंगे, एंड आई थिंक दिस शुड वर्क आफ्टर रिप्लेसिंग ओनली दीज। ये पूरे मिलते हैं, मेरा ख्याल है ये पार्ट मिल जाएगा इसका, अगर मल्टीमीटर बंद हो गया तो। ये इधर कनेक्शन प्रोवाइड होता है इसको, और अगर ये आपको इस साइज में नहीं मिलते तो ये इसको ट्रिम डाउन करके बंदा इंस्टॉल कर लेता है, थोड़ा सा इससे साइज में ज़्यादा होंगे, तो दिस शुड वर्क। मुझे इसके साथ वर्किंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट फ्रॉम व्हाट आई कैन सी मुझे ये लगता है कि जब ये ऐसे लगते हैं दोनों साइडों में तो इनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। कितना गैप है उसका मतलब है कि उतना कार्बन जो है वो फिनिश हो चुका है। बेसिकली ये तो प्रेस होता है यहाँ पे इस तरह, और इसी तरह इस साइड पे भी ऐसे ही, लेकिन जब आप इसको विदाउट प्रेस रखेंगे सो दे शुड टच। ये वाला पार्ट इतना मिसिंग है, ये वैसे भी प्रेस होके अंदर चले जाते हैं, कुछ बाहर होंगे इस तरह जो कि कनेक्शन देंगे। अब ये इतना प्रेस हो गए हैं कि ये बिल्कुल इनकी लेंथ कम हो गई है, तो ये मुझे मिसिंग पार्ट लग रहा है। इसको रिप्लेस करेंगे, प्रॉपर लेंथ वाली लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा।